नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। कल से सोशल मीडिया पर सहायक शिक्षकों का एक वायरल पत्र जो सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जारी किया गया है वो छाया रहा है। उसकी खास बात यह है कि उसमें 2400 का ग्रेड पे दिया गया है जो 2012 से 2018 के बीच के शिक्षकों के लिए है, जिसका आज सहायक शिक्षक फेडरेशन ने खंडन कर दिया है। और उनका कहना है कि वो अपनी एक सूत्री मांग 9342 पर ही डटे हुए हैं। आइए जानते हैं फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा और प्रदेश प्रवक्ता बसंत कौशिक ने आज क्या कहा। प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों के विनम्र अपील और एक सूचना भी आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना। और उस परिप्रेक्ष्य में हमारी सिर्फ एक ही मांग है 9342। अभी अब कल के मंच पे ही चर्चा किया गया था कि हमारा जो यह आंदोलन है, एक संगठन इसको आंदोलन कर रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि लगातार हम लोग जो है एक ही संगठन 16वां दिन आंदोलन कर रहा है, जिससे इस संगठन को प्रभावित करने के लिए चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे विभाग के तरफ से हो, चाहे हमारे विभिन्न संगठनों के द्वारा हो, इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, इसके पहले भी ढेर सारे ड्राफ्ट प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने निश्चित तौर पर 9342 की ही बात किया है। या जो है इसके पहले सरकार से हम हर बार जाते हैं वार्ता में, उनसे यही पूछते हैं कि आपका ड्राफ्ट जो बनाए हैं आपको क्या किया है, कमेटी ने क्या बनाया है। और यह हमारा अंतिम कोई ड्राफ्ट नहीं है, हम सरकार को सिर्फ प्रेशर लाने के लिए और ढेर सारी गतिविधि को जानने के लिए किए हैं। अभी अंतिम जो ड्राफ्ट है वो तो सौंपा ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह जो कल हुआ है आलोक शुक्ला जी के द्वारा इसको प्रेस और मीडिया में लाया गया है, क्योंकि उन्होंने पहले पदोन्नति वाली बात कही थी, उसपे हम लोग जो है उसके हमारे इस संगठन को तोड़ने का प्रयास किया गया था, उसपे हम लोग वो लोग सफल नहीं हो पाए हैं और इसमें भी किसी प्रकार से कोई सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही मांग है 9342 सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना, चाहे कोई आज नौकरी में लगा हो, चाहे कोई 20 साल पहले लगा होगा, सीनियरिटी और जूनियरिटी हिसाब से देख के जो भी होगा, लेकिन वेतन मान जो है 9342 का ही मांग करता है। जितनी भी वीडियो और जो भी जारी हुआ है उसका पूर्णतः खंडन करता है। छत्तीसगढ़ के समस्त सहायक शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक का आंदोलन जो है वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका है और इसी दौरान शासन के तरफ से संगठन की मजबूती को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो कल जो लेटर पैड से वेतन विसंगति के संबंध में, निदान के संबंध में जो चीजें वायरल हुई है, उनके प्रति उनके अलग सी सत्यता है, जिनको जिलाध्यक्ष लोगों को पूरी तरह से अवगत करा दिया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है कि सहायक शिक्षक जो फेडरेशन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, वो केवल सहायक शिक्षक है, उन सभी सहायक शिक्षकों के लिए 9342 उच्चतर वेतन मान ही हमारी मांग है, उससे कम बर्दाश्त नहीं है। और कहीं भी अगर शंका होती है तो अपने जिला अध्यक्षों से संपर्क करके उनको जान ले। लेकिन हम संगठन की ओर से आपको आश्वस्त कराते हैं कि संगठन केवल और केवल समानुपातिक वेतन के लिए लड़ाई लड़ रही है, 9342 से कम किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगी। तो संगठन को तोड़ने वाली खबरों से बचें और इस आशंका और शंका को दूर करें और केवल अपनी शक्ति आंदोलन में लगाएं, क्योंकि हम लक्ष्य की ओर आगे आगे निश्चित रूप से उसके नजदीक पहुंच चुके हैं और ऐसे अवरोध हमारे पास आते रहेंगे। मैं कड़ी निंदा करना चाहूंगा सम्माननीय जिसने भी ये जो रिपोर्ट है उसको वायरल किया है, क्योंकि उनकी मनसा आपकी मजबूती को तोड़ना है। आपकी मजबूती को तोड़ना है, इसका मतलब ये प्रदर्शित होता है कि हम और आप बहुत मजबूत हो चुके हैं, जिनको तोड़ के ही वो अपनी अपनी जो बातें हैं उनको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, हमको टूटना नहीं।